अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को चिकन पुलाव की रेसिपी दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमें चिकन पुलाव के लिए ये चीज़ें चाहिए: चिकन, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, सौंफ, साबुत धनिया, ब्लैक पेपर, नमक। और ये आइटम हमें चिकन पुलाव चढ़ाने के लिए चाहिए: टमाटर, ग्रीन चिल्ली 4 से 5, अनियन, चावल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल, तेजपत्ता, ब्लैक पेपर, नमक और कोई से भी कंपनी का पुलाव बिरयानी मसाला। मैंने शान का लिया है हाफ पैकेट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यखनी चढ़ाएंगे, उसके लिए हम 2 जग्स पानी के इसमें ऐड करेंगे। अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब प्याज ऐड करेंगे, 1.5 मीडियम प्याज है। चिकन तकरीबन 1.5 केजी है। अब डालेंगे हम मसाले: 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून सौंफ, 3 टेबलस्पून धनिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम लेट लगा के इसको 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। जब हम यखनी चढ़ाएंगे, उसके चढ़ाने के बाद हम चावलों को भी धो के भिगो के रख देंगे। इससे चावलों का पकने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। 30 मिनट्स तक भिगोने से चावल बहुत अच्छे बनते हैं। 30 मिनट्स बाद ये पक चुकी है तकरीबन। आप लोग चेक करें, इस तरह से हो जाएगी। ये बिल्कुल रेडी है यखनी हमारी। अब हम यखनी को साइड में रख के एक पैन चूल्हे पे रख देंगे। पैन अच्छी तरह गर्म होने के बाद हम इसमें अब ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे अनियन। ये 2 मीडियम अनियन है। अनियन को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अनियन लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमारे पास है नमक, ब्लैक पेपर, तेज़पत्ता और कोई सा भी बिरयानी पुलाव बिरयानी मसाला। मैंने शान कर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे। इन मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। ये मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर, ये 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और 4 से 5 ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। अब इसमें 1/2 कप वाटर डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे टमाटरों को अच्छी तरह गलने के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर टमाटर भुन रहे हैं, इतनी देर में मैंने चिकन को और यखनी को सेपरेट कर लिया है। यखनी ये 4 कप्स है और चिकन है। अब हम चेक करते हैं हमारे टमाटर हुए या नहीं। तकरीबन हो चुके हैं। थोड़ी आंच को तेज करके हम इन्हें थोड़ा और भून लेंगे। ये टमाटर पूरी तरह भुन चुके हैं।
अब हम सेपरेट की हुई चिकन जो हमने यखनी की सेपरेट कर ली थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और उसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे ताकि टेस्ट चिकन के अंदर भी आ जाए मसालों का। ज़्यादा चमचे नहीं चलाना, हल्के हल्के चमचे से करना है। एक से दो मिनट चिकन को भूनने के बाद हम उसमें ये चावल ऐड करेंगे। इन चावलों को हमने भिगो दिया था, अब इनका पानी रिमूव कर दिया है, अब हम इनको चिकन के अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। अब हम यखनी ऐड कर चुके हैं, अब इसको अच्छी तरह यखनी के साथ चावलों को मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इतना पानी होना चाहिए कि आपके चावल अच्छी तरह अंदर हो। इस पॉइंट पे आके हम नमक चेक करेंगे और अगर हमें कम लगता है तो हम ऐड कर लेंगे अपने हिसाब से। आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून ऐड करा है। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले और लिड लगा ले। लिड लगाने के बाद इसको लो टू मीडियम आंच पे दम लगाने के लिए रख दें। सो गाइस, अब हमारी पुलाव बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। अगर आप ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने फूड कलर लिया है, इसको मैंने 3 टेबलस्पून पानी में 1/2 टीस्पून कलर लेके मिक्स करके रख दिया था। अब मैं इसमें ऐड करूंगी। सो एवरीवन, अब मेरी बिरयानी रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज लाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।